हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग DIY लेकर के आई हूं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। वीक में आपको मेरे 3 दिन वीडियोज़ मिलेंगे, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे को, यानी कि रविवार, मंगलवार और गुरुवार को शाम के 6:30 बजे आता है, तो देखना बिल्कुल भी नहीं भूले दोस्तों। तो आज का DIY आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, यानी कि डू इट योरसेल्फ जैसा वीडियो है, और वो लेकर के आई हूँ स्पेशली फॉर हेयर के लिए। दोस्तों, क्या होता है, बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आती है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बाल से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएँ होती है और उनका उनके पास उपाय नहीं होता है। किसी के बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, किसी के बाल वाइट हो रहे हैं, के बाल बहुत ही ज़्यादा रफ हो गए हैं, उसके लिए क्या उपाय किया जाए, इसके ऊपर भी मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर के। आज का DIY बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको हेयर फॉल की शिकायत है, अगर आपके पास डैंड्रफ की शिकायत है, अगर आपके पास रफ हो गए हैं, आप अपने बालों को मुलायम करना चाहते हैं, अपने आपके बालों में ग्रोथ नहीं है, आपके बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए आज का जो है DIY बहुत ही अचूक है, बहुत ही बेहतरीन है। वह DIY क्या है दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानने को मिलेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी करने के लिए मैं आपके सामने जो सामग्री बता रही हूँ वो है, सबसे पहले मैं लूँगी कोकोनट ऑयल। तो कोई सा भी कोकोनट ऑयल जो अपने बालों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ हमें चाहिए होगा, ये देखिए, ये है करी लिप्स। करी लिप्स बहुत ही फायदेमंद होता है हमारे हेल्थ के लिए भी, और साथ के साथ ही हमारे बालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया होता है। और उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए होगा अनियन, यानी कि प्याज। तो यहाँ पे मैं लगभग मीडियम साइज का, छोटा साइज का एक प्याज ली हूँ, तो इतना प्याज का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तब आपको इतनी क्वांटिटी लगेगी, ज़्यादा ऑयल लगेगा और ज़्यादा करी लिप्स लगेगा। आप जो है इंस्टेंट बनाइए, इंस्टेंट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके लिए मुझे यहाँ पे 1/4 जो है ये चॉप किया हुआ अनियन चाहिए, तो इतना ही लूँगी। और तेल जो है वो भी हमें 4 से 5 चम्मच ही चाहिए। एक्चुअली आपके बाल अगर लंबे हैं तो क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको करना क्या है। तो मैंने यहाँ लिया है इस तरह का, आपको कोई भी तड़का पैन वगैरह होता होगा उसमें सबसे पहले आपको लेना है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल यहाँ पर आपको लगभग 4 से 5 चम्मच चाहिए होगा। कोकोनट ऑयल यहाँ पे मैं लगभग 4 से 5 टेबल स्पून ले रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, मीडियम साइज़ के बाल हैं, तो मेरे मुझे लगता है कि मुझे 3 चम्मच में हो जाएगा, इतना चम्मच मेरे लिए काफ़ी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ये करी लिप्स। तो करी लिप्स भी यहाँ पे मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 4 या 5 लिप्स ही चाहिए, तो ये ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 5 के अलावा आप 2-3 ज़्यादा भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना करी लिप्स इसके अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद ये जो हमने अनियन लिया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा 1/4 काट करके, चॉप करके इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिए हैं 1/4 टेबल स्पून के, 1/4 पीसेज लिए हैं, 1/4 जो है अनियन का टुकड़ा। आपको पता होगा इसके पहले मैंने प्याज की रेमेडी बालों के लिए बताई हुई है मेरे चैनल पे कि बहुत ही फायदेमंद होता है हमारा बाल के लिए प्याज। तो प्याज हमेशा कोशिश करें कि अपने बालों के लिए यूज़ करें, किसी भी तरीके से बाल में जरना टूटना जो भी होता है बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 पीस, जितना भी प्याज है उसका चौथाई। अगर आपके बाल लंबे हैं तो उसी हिसाब से रेशियो सभी चीज़ों का बढ़ा दे। तो मेरा बाल आपको देखा ही होगा, मीडियम साइज़ के हैं, कमर तक आती है मेरे हाइट के हिसाब से। तो इतना हमने प्याज और ये सभी चीज़ें ले ली है। अब इसको आपको करना क्या है दोस्तों, ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, इसको हमें धीमी आँच पर बहुत ही अच्छे से पकाना है, पकाना है लगभग 4 से 5 मिनट तक, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट तक, ठीक है। मैं इसको धीमी आंच पे पका लेती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस पे जो है इसको रख दिया हुआ है, और गैस देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही मीडियम रखा है, बहुत ही लो, जिसको बोलते हैं ना, लो फ्लेम रखा है, और लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर के जितने भी गुण होते हैं प्याज में और करी लिप्स में, सभी चीज़ हमारे ऑयल के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद जो है आपके बाल जो है ना, मत पूछिए, इतने अच्छे होने लगेंगे। एक ही दो बार के इस्तेमाल से आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। फ्रेंड्स, कुछ ही देर में देखिए इसका जो कलर है बहुत ही अच्छे से चेंज हो रहा है। ये देखिए प्याज हल्का हल्का सॉफ्ट हो रहा है, सभी चीज़ें सॉफ्ट हो रही है। तो धीरे धीरे इसके अंदर जो है इसके सारे गुण इसके अंदर तेल के अंदर जा रहा है। तो अभी लगभग 2-3 मिनट ही हुए हैं, और भी इसको लगभग कुछ देर तक पकाना है।
फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे जो है मेरा हो चुका है, सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से जो है पक चुकी है। तेल में जाकर के देखिए हल्का हल्का ये ब्राउन में हो गया है, इसका मतलब जो हमारा जिसके अंदर की सारी चीज़ें जो है तेल में आ चुकी है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको जो आप चाहे तो निकाल के फेंक सकते हैं, इसको यूज़ नहीं होता है क्योंकि कोई ज़रूरी है नहीं। आप इसको चाहे तो स्टेन कर सकते हैं, ऐसे सिंपली निकाल के रख सकते हैं। लेकिन आपको तेल यहाँ पे जो दोस्तों गरम गरम यूज़ नहीं करना है, तेल आपको बिल्कुल जो है ठंडा करना है। बालों के लिए गर्म तेल अच्छा नहीं होता, बिल्कुल सुसुम रख सकते हैं पर ज़्यादा गर्म नहीं। इसको आप हटा के निकाल दें इस तरह से। फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये ठंडा हो चुका है, मैं इसके अंदर फिंगर डाल के देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है, यानी कि हमारे बाल में लगने के लिए बिल्कुल ये अच्छे से तैयार है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मली आप अपने बालों में लगाते हैं उसको आपको नीचे जड़ों में लगाना है, बाल का पार्टीशन करते हुए इस तरीके से। बाल की जितनी समस्याएँ हैं ना दोस्तों, हेयर फॉल, डैंड्रफ, सभी के लिए वरदान है ये वाला। पार्टीशन करते हुए आपको इसको सभी जगह लगा लेना है। बहुत सारे लोग इसको बना करके भी रख सकते हैं, बना करके रखिए। अगर आपको बार बार बनाने का मन नहीं करता है तो बना करके रखिए, और जब भी इस तरीके का शैम्पू करना हो तो ऑयलिंग करने के लिए हमेशा इस तरह का तेल का इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। बालों को लेकर के मैंने बहुत ही ज़्यादा मेरे चैनल पर आपको वीडियोज़ मिलेंगे, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो शेयर की हुई है, आप वो देख सकते हैं चैनल पर विज़िट करके। इसी तरीके से जो है मैं पूरे बालों में लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स जड़ों में लगाने के बाद आप जितना अगर तेल बचे, जितना भी आपने बनाया है, तो अपने पूरे बालों के सिरों पे भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि बाल के सिर में भी स्प्लिट एंड्स वगैरह बहुत होते हैं, डैमेज होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से कंडीशनर का भी आपका काम करेगा, बहुत ही साइन लेके आएगा और बहुत ही बढ़िया होगा सच में। और अनियन के बहुत ज़्यादा ही फायदे होते हैं आपके बालों के लिए, तो ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इसमें थोड़ी सी आपको स्मेल जैसी आएगी क्योंकि अनियन को हमने तेल में अच्छे से पकाया है, तो उसकी स्मेल आई हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लगभग दो बार तीन बार शैम्पू कीजिएगा ना, तो बहुत ही आराम से ये निकल जाएगा। तो मैंने पूरे बालों पर आप देख सकते हैं जड़ों के साथ साथ मैंने सिरों पर भी लगाया हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, आप इसको जो है इसको आप 1 घंटे रख सकते हैं अपने बालों में, 2 घंटे रख सकते हैं, और उसके बाद काफ़ी अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू भी करना है मैंने आपको बताया, अगर स्मेल लगे तो 2 से 3 बार शैम्पू करके हटा दीजिए। तो मैं भी वही काम करती हूँ, फटाफट से सब जगह लगा लिया है। और लगाने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से 2-3 घंटे के लिए बाल को अच्छे से टाइट करके यहाँ पे इस तरीके से जो है यहाँ पे रबड़ लगा ले इस तरीके से, अगर थोड़ा बड़ा है जूरा बना के इस तरह से रख ले, और 2-3 घंटे मिनिमम रखने दे। 2 घंटे के बाद आप आराम से शैम्पू कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। मैं भी 2 घंटे रहने के बाद शैम्पू कर लेती। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने मेरे बालों को बहुत ही अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया हुआ है। अभी बाल मेरे गीले हैं, ये देखिए मैंने आज गीले बालों में ही कॉम किया है क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी वीडियो बनाना था, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वॉश करने के बाद जो है वॉश करने के बाद कंघी किया है, और बाल इतने मुलायम लग रहे हैं ना, इतने अच्छे फील हो रहे हैं, और बिल्कुल भी टूटा नहीं है। मतलब जितना टूटता था उसका रेशियो बिल्कुल कम हो जाएगा, आपको 1 से 2 बार में ही बहुत ही ज़्यादा फायदा नज़र आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया रेमेडी है आपके बालों के लिए। मेरे बाल मुझे बहुत ही पसंद है, और पहले से मेरे बाल में जो है ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है कि मैं क्या बताऊँ। आप पहले के मेरे कोई वीडियो उठा के देखिए, आज से लगभग 2-3 महीना पहले के, तब के बाल और अब के बाल में बहुत ही फ़र्क है। बाल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, डैंड्रफ खत्म होता है, और आपके वाइट बाल वगैरह का भी प्रॉब्लम है उसको भी बहुत ही जल्दी सॉल्व करता है। अगर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हेयर है, रफ हेयर है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जल्दी सॉल्व करता है दोस्तों। तो बहुत ही असरकारक ये DIY है आपके बालों के लिए, आप इसको ज़रूर चलिए ट्राई करें। वीक में कम से कम 2 बार ज़रूर लगाएं, कम से कम मैक्सिमम आप कभी भी यूज़ करें। और जो मैंने बताया है उसको ऐसा नहीं कि आपको बना करके रख लेना है, बना करके रख सकते हैं 1 वीक के लिए रख लीजिए, और इसको इंस्टेंट बनाइए, ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके बालों के लिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो इंस्टेंट बना करके जितना भी तेल का इस्तेमाल करना है यूज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो होप सो आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बता सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगे और जिसको भी इसकी ज़रूरत लगे आप उस तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए
आप सबसे मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में ऐसे DIY के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।